अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सालेदार और मेरे उस्ताद जो हैं नुमान मेरे साथ हैं। आज हम लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं, तो आप लोगों को वापसी पे हम कुछ चीज़ें बताएंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो गाड़ी सिखाने में सऊदी अरब में जिसका सबसे ज़्यादा हाथ है वो माशाल्लाह नुमान के, अल्लाह पाक सलामत रखे इनको, अल्लाह पाक इनकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। तो कहने का मतलब ये है कि वापसी पे जब हम यहाँ से यू टर्न लेंगे, तो यू टर्न जब हम लेंगे आप लोगों को हम कुछ बंदे बताएंगे। तो वो अभी नमाज हुई है यहाँ पे, नमाज पढ़ के अभी लोग निकले हैं। तो यहाँ पे मुसाफिर जो हैं हमारी तरह, तो वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो मजदूरी के लिए बाहर कतार में खड़े होते हैं कि कोई आएगा और हमें पिक करेगा ताकि हम जाके काम कर लें। बिल्कुल दिहाड़ी मजदूरी कर लें, मजदूरी हो जाए, ताकि पाकिस्तान के अंदर जितने भी भाई होते हैं यहाँ पे, जिनके भाई हैं, जिनके बाप हैं, तो बराए मेहरबानी करके उन भाई ज़रा कैमरा आप थोड़ा सा आगे करें ताकि इनको पता चले। अभी इधर से शुरू हो जाएगा, अभी तो नमाज भी नहीं हुई, टाइम है अभी 10-15 मिनट है और आप खुद देख सकते हैं। ये देख लें, ये इंतज़ार में होते हैं, गाड़ियों के इंतज़ार में होते हैं, कोई गाड़ी आएगी और हमें लेके जाएगी। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इनको अच्छे काम दे। ये देख सकते हैं, तो अल्लाह इन बेचारों के हाल पर रहम फरमाए। आमीन आमीन। ये देख लें, ये पाकिस्तानी भाई हैं, सूडान वाले हैं और यही सब होते हैं। ये तो सिर्फ ये जगह है, बाकी पूरे सऊदी अरब में हर जगह पे यही होता है, सब ये बेचारे लोग खड़े होते हैं। सऊदी में जो है ना, वो काम की बहुत बड़ी दिक्कत बन गई है आजकल, क्योंकि